स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई स्कूल में पोएट्री से फोर्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर, जिसका फर्स्ट स्टेंजा है। वैसे चैप्टर का नाम मैं बता दूं, द नेशन बिल्डर। इसमें दो स्टेंजास हैं। पहले स्टेंजा में ये बताया गया है कि राष्ट्र को महान कौन बनाता है, सोना बनाता है या देश का नागरिक बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। स्टेंजा आप बुक से भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे स्टेंजा से छाटने होते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि लाइन टू लाइन उतार कर रख देते हैं, जो गलत होता है। आपको आंसर मेकिंग करना होता है, सिर्फ हेल्प लेनी होती है स्टेंजा से, क्योंकि रीडर का नहीं है जो आप पूरा पूरा उतार देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आंसर मेकिंग कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। राष्ट्र को महान और मजबूत कौन बनाता है? तो जाहिर सी बात है, आंसर है द सिटीजन ऑफ अ नेशन, मतलब राष्ट्र के नागरिक ही नेशन को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ना कि सोना। क्योंकि सोना कुछ कर ही नहीं सकता, सेल्फ में वैसे होता तो बहुत कीमती है, लेकिन अगर खुद सोने से बोला जाए कि आप कुछ करके दिखाएं तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन कैन ब्रिंग ग्लोरी टू अ नेशन। किस तरह के पर्सन्स, मतलब व्यक्ति, राष्ट्र की दृढ़ता और उसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। द मैन, ऐसे व्यक्ति, हु कैन स्टैंड फर्मली, ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय तक दृढ़ कर देश की रक्षा के लिए एक लंबे समय तक खड़े रहते हैं, सफ़र लॉन्ग सफ़र करते हैं, जैसे कि हमारे सोल्जर्स होते हैं। फॉर द शेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर से ऑनर, मतलब सच्चाई और सम्मान के लिए लंबे समय तक डट करके उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही देश की भव्यता और सुंदरता को बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पीपल इन द गिवन स्टेंजा। यह क्वेश्चन जो है इस स्टेंजा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है, छोटा सा है। अ पीपल का मीनिंग आपको बताना है, जो स्टेंजा में ए पीपल लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। वैसे पीपल का मतलब तो लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब एक राष्ट्र से लिया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर आप लिखेंगे ए पीपल स्टैंड फॉर अ नेशन इन द गिवन स्टेंजा। तो अ पीपल स्टैंड्स फॉर या अ पीपल मीन्स अ नेशन आप लिख सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ खास आंसर ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ का, हम देखेंगे। Why are men more important than gold according to the poet? पोएट के अनुसार लोग अधिक आवश्यक या अधिक महत्वपूर्ण सोने से क्यों हैं? क्योंकि सोने को महत्वपूर्ण कवि ने नहीं बताया है। According to the poet, are men more important than the gold? मतलब पोएट के अनुसार मैन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं गोल्ड से, क्योंकि एज द गोल्ड इज अब्स्ट्रैक्ट थिंग, जो गोल्ड क्या है, वो एक सिर्फ एक अमूर्त वस्तु है। ठीक है, विच हैज़ नो फीलिंग एंड इमोशन, जिसका कोई फीलिंग और इमोशन नहीं होता है, वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। देखेंगे अगला स्टेंजा, द ब्रेव मैन। स्टेंजा आप बुक से ही पढ़ेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वैसे आप स्टेंजा से छाटने से कहीं अच्छा है कि आप खुद लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटे आंसर हैं, कुछ ज़्यादा बड़े तो है नहीं। आधा आपको क्वेश्चन से मिल जाता है और आधा आपको स्वयं से लिखना होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ मेन हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ नेशन। किस तरह के व्यक्ति मदद करते हैं राष्ट्र की फाउंडेशन को मजबूत बनाने में। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, उसकी जड़ भी कह सकते हैं। तो अनसेल्फिश एंड ब्रेव मैन, जो अनसेल्फिश होते हैं, जो स्वार्थी नहीं होते हैं, वो और ब्रेव मैन मिल करके
इस राष्ट्र की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। इज अ वेरी सिंपल अनसेल्फिश एंड ब्रेव मैन, अगर आप ब्रेव मैन भी लिखेंगे तभी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू ब्रेव मैन डू व्हाइल अदर्स स्लीप, ब्रेव मैन क्या करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं, तो ब्रेव मैन वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, ब्रेव मैन वर्क करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। बहुत ही छोटे आंसर हैं, आप लोग बजाय बनाने के आप लर्न ही कर लीजिए, ठीक है। और रही बात अगर आप ब्रेव मैन भूल जाते हो तो स्टेंजा में ब्रेव मैन जरूर दिया होगा, उसको देख करके आप गेस जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ड अ नेशंस पिलर, राष्ट्र के खंभों को मजबूत और गहरा कौन बनाता है। कहीं ना कहीं जैसे एक बिल्डिंग की मजबूती उसके जो पिलर होते हैं उस पर डिपेंड करती है, उसी तरह से हम इस राष्ट्र के पिलर हम लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अच्छे होंगे, ब्रेव होंगे, बहादुर होंगे, अच्छे से वर्क करेंगे तो हमारा राष्ट्र भी अच्छे से खड़ा रह पाएगा लंबे समय तक। द ब्रेव मैन हु वर्क हार्ड बिल्ड अ नेशंस पिलर, ऐसे बहादुर व्यक्ति जो हार्ड वर्क करते हैं देश के लिए, जिससे हमारे राष्ट्र के जो खंभे हैं ये मजबूती से खड़े रह सकते हैं, तो जिसके सहारे हमारा राष्ट्र भी अच्छे से खड़ा रह सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ या थोड़ा सा इधर उधर का म्यूज़िक या थोड़ा सा दिखावट नहीं आपको मिलेगी थोड़ी सी भी, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलेगी। खुद से नोट्स बनाए हुए हाथ से हमने आपको दिए हैं, तो आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट करिए और लर्न करिए, जिससे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी सुंदरता के चक्कर में मत पड़िएगा कि किसी दूसरे वीडियोस में मैंने देखा है कि उसमें बहुत कुछ शो करते हैं, बहुत चिल्लाते चीखते हैं और ये आ गया आपके लिए, लिखते वो कुछ और हैं। थंबल में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ऊपर कुछ और लिखा होता है, धमाका न जाने क्या क्या लिखा होता है, लेकिन उसके चक्कर में बच्चे क्या देखते हैं, उसको देखते हैं और वीडियो को ऑन करते हैं और उसके अंदर वो ऐसा कुछ मिलता नहीं है जैसा वो लिखते हैं, बहुत सारे फेक वीडियो हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत जो मैंने आपको ये दिया है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर कॉपी पे नोट करिए और अपनी तैयारी करिए बोर्ड क्लास की, ठीक है। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ करिए, ताकि हम भी आपके सहारे और अच्छा कर सकें। आपकी हेल्प से ही हमारा भी अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।